हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ उदित फार्मेसी। मेरा नाम आशीष रहा है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, फार्माकोथेरेपेटिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, स्कोप्स क्या होते हैं, अब इस वीडियो में बाकी बचा हुआ पार्ट जो कि आपके सिलेबस में है, जैसे कि रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट ऑन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर वन का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। तो रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन क्या होता है? इट इज रिफर्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ प्रिस्क्राइबिंग द बेस्ट मेडिकेशन विद मिनिमम कॉस्ट फॉर प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम। ये क्या एक प्रैक्टिस है, ये एक कार्यकाल है जिसमें क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, हम दवाइयां देते हैं, वो भी बेस्ट मेडिकेशन, जो सबसे अच्छी दवाइयां होती उनको देते हैं, कम से कम दाम में और जितना कम टाइम लग सके उस बीमारी को ट्रीट होने में, वो ध्यान रखते हैं। तीन चीजें, बेस्ट मेडिकेशन देते हैं, मिनिमम कॉस्ट होती है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम में ये ट्रीटेबल हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, अब पेशेंट शुड बी गिवन मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर क्लिनिकल डिमांड। अब पेशेंट का जो डिमांड है ना, जो दवाइयां उन्हें लेनी है, जिस हिसाब से लेनी है, जैसे कोई कोई कड़वी दवाइयां नहीं खा पाता है, तो उसको हम फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट डाल के हम उनको दवाइयां खिलाते हैं। तो पेशेंट कंप्लायंस चीजें हैं ये, पेशेंट जिस हिसाब से बोलेगा हम दवाइयां उसी हिसाब से देंगे। क्यों? क्योंकि पेशेंट बेमन से खाएगा तो दवाइयां लगती नहीं है बेसिकली, तो पेशेंट जैसा बोलेगा हम वैसा करेंगे। तो रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन क्या करती है, हम बेस्ट मेडिकेशन देंगे मिनिमम कॉस्ट पे और प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम में, ये आपकी बीमारी सही हो सकती है। तो कुछ संस्थाएं हैं जो इस रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन को प्रमोट करती है, जैसे कि सरकार भी कर रही है, आजकल गवर्नमेंट्स करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनजीओज चलते हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें भागीदारी दे रही है अपना। ठीक है, तो रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होती है? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होती है? इट रिफर्स टू एन अप्रोच दैट यूजेस साइंटिफिक इंजीनियरिंग, बायोस्टैटिस्टिकल एंड एपिडेमियोलॉजिकल मेथड टू डिलीवर द राइट केयर टू द राइट पेशेंट एट द राइट टाइम। देखो तीन चीजें, राइट केयर, राइट पेशेंट एंड राइट टाइम, ध्यान वही रखना है कि जो भी केयर हम कर रहे हैं, जो भी दवाइयां दे रहे हैं, बिल्कुल सही होनी चाहिए। और राइट पेशेंट को, ये नहीं, बहुत एथिकल होता है, अनएथिकल चीजें होने लगती हैं कि एक ही नाम के दो पेशेंट हैं, तो जल्दी जल्दी में हम ध्यान नहीं देते हैं कि उसकी दवाइयां उनको चली जाती हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, राइट पेशेंट को और राइट टाइम पे, ये नहीं कि समय निकल गया तो उसके बाद दवाइयां पहुंच रही हैं। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन तीन चीजों का ध्यान रखती है, राइट केयर, राइट पेशेंट और राइट टाइम। और ऊपर कुछ लिखा है, इट इज रिफर टू एन अप्रोच दैट यूजेस साइंटिफिक इंजीनियरिंग, ये हवे में नहीं बनती है, साइंटिफिक इंजीनियरिंग के बेसिस पे यहाँ की दवाइयां बनाई जाती है, बायो स्टैट्स फॉलो होता है, एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स यूज होते हैं उसमें, जिसकी वजह से ये हम दवाइयां राइट केयर, ऑन द राइट पेशेंट, ऑन द राइट टाइम दी जाती हैं। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन यही है। अब आगे देखते हैं, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या होती है? अब मेडिसिन लिस्ट है, इसेंशियल है, तो अकॉर्डिंग टू द WHO क्या बोलता है, इसेंशियल ड्रग वो ड्रग होती है जो कि सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। ये कोई पर्टिकुलर एक दो बंदों के लिए नहीं, ये इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट निकलती है पूरा कम्युनिटी के लिए, पूरा एरिया के लिए। ठीक है, तो WHO क्या कहती है, इसेंशियल ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो कि सेटिस्फाई द प्रायोरिटी, हम ऊपर रखते हैं, हम पॉपुलेशन की हेल्थ को पहले रखते हैं उसके बाद कुछ रखते हैं। ठीक है, ये नहीं कि दवाइयां बहुत महंगी कर दी है, नहीं, तो इसेंशियल ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो कि सेटिस्फाई करती हैं सबसे पहले हेल्थ केयर, पॉपुलेशन की हेल्थ केयर को ही ध्यान रखी जाती है। इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में जितनी भी दवाइयां होती हैं सबसे पहले प्रायोरिटी रखती है जो भी पॉपुलेशन, जितने लोग हैं वहां पे उनकी हेल्थ को प्रायोरिटी दी जाए। ठीक है, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में कौन कौन सी दवाइयां होती हैं, बहुत ब्रॉड टर्म है ये, तो आप अगर आपको इसके बारे में फुल डिटेल जानना था, उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट करिए, आपको वहाँ वेल एजुकेटेड टीचर से जानने को मिलेगा, वहाँ वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, आपको PDFs मिलेंगे, राइट टेस्ट होंगे, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, और भी बहुत सारे वहाँ पे फीचर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम, अगला लास्ट हेडिंग है आपका जो सिलेबस का, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। अब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस ये क्या करती है, इट हेल्प प्रिस्क्राइबर टू डिसाइड ऑन द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच ऑफ गिवन क्लिनिकल प्रॉब्लम। तो प्रिस्क्राइबर जो भी दवाइयां देता है उसे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस कहती है कि डिसाइड वो करता है कि सबसे सही अप्रोच क्या है।
अब किसी किसी को ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, दवाइयों से हो जाता है। तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस ये बताते कि भाई इसे हमें जरूरी है एडमिट करना कि ये दवाइयों से भी सही हो सकता है। तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन का पहला हेडिंग यही होता है कि, और दूसरा पॉइंट इसमें है, दे गारंटी दे स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस। वो गारंटी देती है कि इनको राइट टाइम पे कम से कम खर्चे में बेस्ट मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती हैं। तो यही है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। अगर आपको डिटेल में जानना तो आप प्लीज उदित फार्मेसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, वहां पे आपको पूरी जानकारी जेन्युइन कॉस्ट पे मिलेगी। ठीक है, अब उदित फार्मेसी ऐप पे आपको आना है तो वो पाथवे मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले उदित फार्मेसी ऐप पे आपको मिलेगा क्या क्या, तो वहां पे डिप्लोमा इन फार्मेसी का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, डाउट सॉल्विंग क्लासेस हैं वहां पे, ई बुक पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हैं, चैप्टर वाइज एक्सरसाइजेस, उसके क्वेश्चंस आंसर सब डिस्क्राइब किए जाते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं आपके, अनलिमिटेड टेस्ट आप दे सकते हो, लाइव चैट, कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आप लाइव चैट कर सकते हो हमारे डायरेक्ट टीचर से, बाइलिंगुअल आपको हिंदी में समझाया जाएगा, इंग्लिश में समझाया जाएगा, कंप्लीट 5 सब्जेक्ट डिफार्मा फर्स्ट ईयर के और कंप्लीट 6 सब्जेक्ट डिफार्मा सेकेंड ईयर के, और वो भी जेन्युइन प्राइस 1499 में, दोनों दोनों ईयर के, फर्स्ट ईयर के भी 1499 और सेकेंड ईयर के 1499। अब आप अगर डी फार्मा के एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे एमसीक्यू सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आप कर सकते हो, सारे क्वेश्चन जो बनेंगे वो पीसीआई सिलेबस के आधार पे बनेंगे, उसका कॉस्ट प्राइस है 499। डी फार्मा फर्स्ट ईयर के हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी अवेलेबल है आपके, टोटल 5 सब्जेक्ट के कोर्स प्राइसेस उसके हैं 999। तो आप उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करोगे आप, स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री। स्टेप वन में आप अपना गूगल प्ले स्टोर खोलोगे, वहां पे उदित फार्मेसी क्लासेस यहाँ पे मेंशन है, ऐसा हमारा लोगो है, उदित फार्मेसी ऐप को आप इंस्टॉल करोगे, आप वेरीफाई करोगे अपना अकाउंट विद मोबाइल नंबर ओटीपी डाल के, उसके बाद ये विंडो आपका खुलेगा स्टेप टू में, जहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, अपना ईमेल आईडी डालोगे और स्टार्ट कर दोगे। जो भी आपको कोर्स परचेज करना यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप 9219303100 सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ही करिएगा, क्योंकि 8 बजे के पहले और 6 बजे के बाद कोई अवेलेबल नहीं रहेगा। आपको कोई भी क्वेरी है इसी टाइमिंग के बेसिस पे आप वहाँ पे आप पूछ सकते हो। होप आपको सारी बातें समझ में आती आ गई होंगी। चलिए मिलते हैं अगले अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।